आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मनावर में लगभग 100 साल बाद हुआ नए पुलिस थाने का शुभारंभ। 1,14,00,000 की लागत से बना 2 मंजिला भवन। शुभारंभ अवसर पर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र सहित धार कलेक्टर, एसपी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। मनावर में गुरुवार को नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी व नेतागण उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आईजी हरिनारायण चारी मिश्र, डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी, धार जिले कलेक्टर डॉ. पंकज जैन, एसपी आदित्य प्रताप सिंह, एडिशनल एसपी एसडीएम शिवांगी जोशी, एसडीओपी धीरज बब्बर, तहसीलदार सीएस धारवे, टीआई ब्रजेश कुमार मालवी आदि अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेताओं में धार जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मोहन पटेल, विधायक पंचीलाल मीणा, हीरालाल अलावा, पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष संगीता शिवराम पाटीदार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शुरुआत एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने की, जिसके उपरांत विधायक अलावा, विधायक मीणा, पूर्व विधायक रंजना बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती पटेल, कलेक्टर पंकज जैन, डीआईजी सोलंकी, आईजी मिश्र ने उद्बोधन किया। आभार एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार ने माना। कार्यक्रम का संचालन फुल सिंह नरसिंह ने किया। मनावर से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। थाना मनावर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी पुराना थाना है। लगभग 1900 के आसपास से शुरू हुआ था और इस क्षेत्र में इस थाने की बड़ी एक मजबूत भूमिका रही है। लगातार कानून व्यवस्था के एक मजबूत प्रहरी के रूप में यह थाना हमेशा से स्थापित रहा है। चूँकि समय के साथ इस थाने की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, इसलिए आज एक नए भवन का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ उसमें नए थाने ने काम करना शुरू कर दिया नए भवन। और निश्चित तौर पे जो नया भवन है, इसी तरीके से इस क्षेत्र की शांति, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता में लगातार सहयोग देता रहेगा। बिल्कुल, अगर आप देखें तो पिछले दिनों धार और बाकी ज़िलों में भी, इंदौर और बाकी प्रदेश के अगर दूसरे ज़िलों की भी बात करें तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के आवास बने हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो 15 मंजिल एक आवासीय भूमि है जो पुलिसकर्मियों के लिए बनी है और हाल ही में लगभग वो पुलिसकर्मियों को आवंटित की जा रही है। उसी तरह धार जिले में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में जो जगह है उनको चिन्हित करके वहाँ पर जो पुलिसकर्मियों के लिए आवास है वो प्रस्तावित है और निर्माणाधीन है। अभी समस्या है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आवास तेजी से बन रहे हैं आने वाले दिनों में ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। नवीन भवन का लोकार्पण किया गया है जिसमें आईजी सर, डीआईजी सर, कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित रहे। और आज ये जो नया भवन है इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो इसकी कीमत करीब 1,16,00,000 रुपये है। और इस नए भवन से जो है पुलिसिंग जो है नए आयाम छुएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, सभी आप इस भवन को देख रहे होंगे, इसी प्रकार सभी भवनों की प्लानिंग है, एक एक करके सभी भवनों को बेटर किया जाएगा।